इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी, कल बिगड़ जाती तो यह पीछे नहीं हो जाता, यह तो केवल आगे बढ़ने को रखता है। मेरे विचार से तो ये वायु का दोष होगा। वायु की क्या शक्ति है, जब इच्छा के प्रतिकूल चल गए, इंद्र की चाल होगी। इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता नहीं, वैसा मेरे सर को मैं भी पीना चाहता नहीं। तो फिर मेघों की श्राप होगी महाराज। मैं जो प्रतिदिन लंका की गलियों में छिड़काव करते हैं और मेरी सेवा करते हैं, Yeah।
होता हो। क्यों लंकेश अपनी ताकत को आग बा लिया और अपने अभिभाव का भर पा लिया। विश्वनाथ मैंने अंतर किया और उसका शत्रु पा लिया और अंतर में मैं प्रभु आपकी महिमा को दिया। त्रिलोचन आप मुझ पर और मेरे दिमाग तेरी दीनता पर अति प्रसन्न हो। अच्छा इधर आ, शिवाजा में आया है तो जाकर प्रसाद लिए जा। अगर तू इसका पूजन नित्य देव से करेगा तो यह तलवार तुझे मौत से बचाएगी। मगर याद रखना जिस दिन तुमने इसका पूजन नहीं किया वो समझ लेना कि तुम्हारी मौत का दिन होगा। और यह तलवार मेरे पास चली आएगी। उपकार ना उपकार विष्णु और विष्णु के नाम लेने वालों को चुन चुन कर मारूंगा। किसी को विष्णु का नाम नहीं लेने दूंगा। राजाओं से खा, हनुमानों से चंद, किसानों से अंधा और गरीबों से लहू लहू मानो चंद्र की गोद में दो खेलत नाग कुमार। मूर्ति संगमरमर की है कहां से आ गई। चंद्र उतरे तुम कौन हो। मैं कश्यप राज ऋषि की कुंवारी कन्या हूं। आहा, एक तो कुमारी और दूसरी ऋषि कन्या। एक कूचे में है दरिया बंद दो आ नंद दो। कानों को पवित्र करने वाले यह शब्द किसने उच्चारण किए। उसने जिसने किसने के मुख मंडल की शांत प्रकृति ने अशांत कर दिया हो। मुझसे अशांत है कोई संसार में। वही जो दिल गुवा बैठा है प्यार के हजार में।
जब नैन खोले आपने तो कटारे ताली रूप के प्रताप ने मुझ तपस्वनी के लिए अब शब्द बोले आपने कान पवित्र किए मेरे तुम्हारे पाप ने मुस्सा धर्मात्मा जब कोई दूसरा कहलाता तो तुलके चंद्र हास लगा भगवान शिव से कैसे तो तुम ही हो लंका के लंकेश हाँ भद्रे चरा चर कांपते हैं मुझ पली के नाम से स्वर्ण है लंका मेरी लंका पुरी के नाम से विद्या के भंडार उपमा दे सकती है एक छोड़ हजार मगर चेष्टा संभाल कर लंकेश अपने मुख से अपनी की बड़ाई शोभा नहीं देती निस्संदेह परंतु तुम जैसी सुंदरी भी नेत्र सुख बिना निछाई नहीं जा सकती मैं नहीं समझी तुम्हारी बात चलो तो सही समझा दूंगा कहां जहां पर सुंदर महल सजा देने लायक है जहां जीवन के दीप जगमगा देने के लायक है लंकेश यह दीपक तो किसी के राह में तब से जलाया जा चुका है मेरे मन का यह कुछ नहीं शेर दीपक कभी नहीं खा सकता भगवान विष्णु का भोग तुझ जैसा राक्षस नहीं खा सकता विष्णु मेरा उल्लंघन करे चरम छाप तोड़ू एक नजर देख लीजिए तो तना कट्ठा नैन विष्णु के घोड़े अरे तेरी क्या औकात है वो करे संकेत तो बाजी तुम्हारी मात है बाहुबल धन बल जिसके बल पर नाम चल अरे नाव चल चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है और देखा जाएगा जब समय आएगा अब तो मेरे विष्णु और विष्णु लोक पर चढ़ाई करने का फैसला लिया है तो मानो काल भगवान ने तुम्हारे जीवन का धूल भर लिया अरे काल तो मेरे पांव से भगा हुआ है नहीं बल्कि घोर नर्क में ले जाने के लिए उसने तेरा पांव पकड़ रखा है सुंदरी मेरे पांव में तो इंद्रपुरी के देवता भी सर झुकाते हैं कारण यह है कि तेरा अभिमान बढ़ाकर तेरा सर्वनाश करना चाहते हो अच्छा तो ये है कि चंद्रमुख जैसी औरत को रसपान करूं और अमर हो जाऊं कामन मैं एक विषयली नादिन हूं मेरे निकट ना आ तो अच्छा है ओफ, ये नास ये अंदाज तुम जैसी सुंदर नारी को लगे शिव भगवान के सर की तरह अपने गले का हार बनाकर रखेगा होश कर मद होश दस लिया जाएगा परवाह नहीं प्राण गवाएगा परवाह नहीं जो दिल में आता है किया करता हूं मैं जो मुझे भाजे पैसे पा लिया करता हूं हंस का भोग कुत्ते तू खा सकता नहीं मैं सती विष्णु की हूं पापी तू पा सकता नहीं कौन है जाइना कुर्सी इकट्ठी कर रही है तुझे मेरे वही जिसने गज को गिरा से छुड़ाया था कौन है जो लंकेश को नीचा दिखाएगा
वही जिसने हरनाक्ष को मिट्टी में मिलाया था। मेरे हाथ में चंद्रहास तलवार है, पर सुदर्शन चक्र तो गदाधारी के पास है।